मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मेरी कुछ बातें इस भारत सरकार से की जा सकें और स्वास्थ्य मंत्रालय को मेरी बात कुछ बातें पहुँचाई जा सकें। मैं जब भी खड़ा हुआ हूँ इस देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं जब भी खड़ा हुआ हूँ अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ हूँ, पर इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे खुलकर सामने आना पड़ा है और मुझे बुराई करनी पड़ी है भारत स्वास्थ्य मंत्रालय की, महानगर पालिका की और इस देश के कार्यशैली की। मेरे पास एक फ़ोन आता है आधी रात को कि भाई साहब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे एडमिट होने की बहुत ज़रूरत है। ये आदमी पूरी तरह गरीब था जिसके पास आने तक के पैसे नहीं थे। मैंने उस शख्स को जिनकी उम्र कुछ 50-60 साल रही होगी उनको एम्बुलेंस में बिठाया और एक हॉस्पिटल नज़दीकी हॉस्पिटल ले गया। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि केस इतना क्रिटिकल था कि इन लोगों ने मना कर दिया। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हर सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहां पर कोई डॉक्टर नहीं था और मैं कई सारे हॉस्पिटल में देख चुका हूं कि रात के टाइम पर डॉक्टर्स होते ही नहीं है। तो यहां पर जब डॉक्टर नहीं मिला तो उन्होंने बोला कि इनकी हालत इतनी खराब है कि कुछ भी हो सकता है, तो इनको सबसे बड़े हॉस्पिटल ले जाइए आप। तो मैं मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल केईएम में ले गया, जहां पर इनकी हालत को देखते हुए भी इन्हें एडमिट करने में इंकार किया गया, नखरे किए गए। मैं पहुंचा तो सबसे पहली बात तो भाई साहब यह है कि इस देश में गरीब होना गुनाह है, जो मुझे समझ में आया, क्योंकि इनको एडमिट नहीं किया गया चूंकि उनके पास 50 रुपये भरने के लिए फीस नहीं थी जो सरकारी अस्पतालों की है। भाई साहब अगर सरकारी अस्पताल कहते हो आप, सरकार सुविधाएं देती है, 144 करोड़ रुपये सरकार खर्च करती है अस्पतालों पर गरीबों को सेवाएं देने के लिए, लेकिन फिर भी चलो 50 रुपये 10 रुपये फीस ली जाती है। वो जिस आदमी के पास नहीं है, जिसकी हालत इतनी नाजुक है कि वो कुछ बोल नहीं सकता है, वो कहाँ से पे करेगा। फिर भी मैं गया, मैंने पैसा जो भी था पे किया। एडमिट करने में इनके बहुत नाटक थे, पर फिर भी कैसे भी मैंने इनको एडमिट करवाया। चूंकि 12 घंटे 16 घंटे में लगातार वहीं खड़ा रहा, 16 घंटे बाद इनका टेस्ट किया गया। अब सोचिए जिसकी हालत इतनी नाजुक है कि वो कुछ पल बाद शायद ना हो, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना डिले किया, इतना लेट किया कि 12 से 16 घंटे लग गए उनका सिर्फ टेस्ट करने में। और टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि इस बंदे के लिवर में पस है 2 लीटर करीब। उसके बाद इन्होंने सारे टेस्ट करवाए। मेरा दूसरा सवाल इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय, जो करोड़ों रुपए खर्च करता है सरकारी अस्पतालों पर, उनसे ये सवाल है कि सर जब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो सारी सुविधाएं हॉस्पिटल में ना होकर बाहर क्यों हैं? इस गरीब के इलाज के लिए मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन करीब 8 से 10 हज़ार मैंने कुल 3 दिन में खर्च कर दिए। आप देख सकते हैं ये सारी रिपोर्ट हैं जो बाहर करवाई है मैंने, जो सारी रिपोर्ट SSS टेस्ट सरकार ने उपलब्ध कराया है सारे अस्पतालों में, उसके बावजूद भी मुझसे बाहर से करवाया गया। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बाहर से करवानी पड़ी। वेलनेस फॉरएवर से मेरा इसका रिसिप्ट है, 800 रुपये 1200 रुपये ऐसा कुछ करके 5-6 हज़ार के टेस्ट और दवाइयां जो बाहर से ली गई। बाकी तमाम सुविधाएं जो सरकार उपलब्ध कराती है और अस्पताल में है, उसके बावजूद भी बाहर से की गई। यानी कि जिस इंसान के पास, जो एकदम गरीब है, उसके पास पैसे भरने को नहीं है, वो तो बेचारा बिना कारण मर जाएगा। सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर अभाव है हॉस्पिटल में, तो ये किसकी गलती है? पैसा कहां जा रहा है? मेरा तीसरा सवाल, मैं ये कहना चाहता हूं, सरकारी अस्पतालों में क्या फ्री में एम्बुलेंस सर्विस नहीं है? चूंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने 1500 रुपये पे किया उस बंदे का सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए। अगर सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसका पूरा पूरा ब्यौरा किया जाए और इस पर ऑडिट बिठाया जाए ताकि इसका पर्दाफाश हो सके कि पैसा कहाँ जा रहा है। भाई साहब आज की डेट में 7वें पे कमीशन में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की सैलरी 70,000-80,000 से लेकर 1,00,000 रुपये से ऊपर है, जबकि कोई भी अधिकारी या हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी में खड़ा होता ही नहीं है। जितने भी होते हैं इंटर्न्स वाले खड़े होते हैं और जिनको कुछ भी नहीं पता, सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी ख़राब है, पेशेंट बेड पर बेड खाली होते हुए भी बाहर लेटा हुआ है, 12 से 15 घंटे 24 घंटे हो जाते हैं इमरजेंसी में भी, पर उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उसको इलाज नहीं स्टार्ट हो पाता है। और यही कारण है कि देश में 1.5 से 2 हज़ार मरीज भारत देश में हर माह मरते हैं चूंकि उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो अगर भाई साहब गरीब होना गुनाह है इस देश में,
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना था कि किसी भी गरीब को मरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन भाई साहब करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनको इलाज नहीं मिल पाता है, ये किसकी गलती है? सरकार की, प्रशासन की, हॉस्पिटल की, या इस गरीबी की जो इस देश में हो रही है? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कहीं भी सबसे बड़ी जो मुझे दुविधा हुई, अगर किसी इंसान का रिलेटिव नहीं है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि इस इंसान के आगे पीछे कोई नहीं था, मुझसे मदद मांगी, मैं आधी रात को वहां खड़ा हुआ और मैं 36 घंटे उस अस्पताल में रहा, क्योंकि अस्पताल वाले मुझे छोड़ नहीं रहे थे कि आप लेकर आए हो तो आपकी जिम्मेदारी है वहां खड़ा होना। क्यों भाई साहब, जो अपने वार्ड बॉय भर्ती किए हैं, वहां नर्सें भर्ती किए हैं, वो किस बात की तनख्वाह ले रही है सरकार से? जिस इंसान के आगे पीछे कोई नहीं है तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? मैं आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से उठाना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर स्वास्थ्य मंत्रालय तक ये बात पहुंचे, महानगर पालिका तक पहुंचे कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसका इलाज नहीं हो सकता क्या? वो मैं था वहां खड़ा हुआ, अगर मैं नहीं होता वहां पर तो उस इंसान का क्या होता? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर उस इंसान से जो ये वीडियो देखेगा कि इस वीडियो को पहुंचाएं आगे तक, ताकि शेयर हो सके और इस सरकारी बहरी कानों में जा सके, क्योंकि मुझे लगता है कि सिस्टम के बहुत सारे पुर्जे इतने ढीले हैं कि इन पर काम ही नहीं हो रहा है। पैसा वेस्ट हो रहा है, कौन खा रहा है, कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं किसी पर, हॉस्पिटल शायद बहुत अच्छी सर्विस दे रहा हो, बहुत चैरिटी दे रहा हो, लेकिन जो मैंने हालात देखे, सारे जितने भी टेबल हैं सब में खटमल थे, जितने भी चेयर्स हैं सब में खटमल हैं, कोई बैठने को रेडी नहीं है, जितने रिलेटिव पहुंच रहे हैं सब खड़े खड़े 12 घंटे हो रहे हैं। भाई साहब ये क्या है? अस्पताल में बेड खाली हैं उसके बावजूद भी बाहर लेटे हुए हैं, ये क्या है? सरकारी सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं, सारी मेडिसिन, सारे टेस्ट बाहर से कराए जा रहे हैं, ये क्या है? अगर इंसान गुनाह करके जेल जाता है तो फ्री में रहना खाना पीना मिलता है, लेकिन इंसान गरीब अगर मरने जा रहा है तो उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए रिलेटिव चाहिए, ये क्या है? मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस देश की मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और जो इंसान गरीब है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे हमारी सरकार खड़ी हो, उसके पीछे एक इंसानियत खड़ी हो। जय हिंद, जय भारत।